गुजरात की। गुजरात चुनाव से पहले पटेलों को लेकर सूबे की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पटेलों को अपने खेमे में लाने के लिए जोर लगा रही है। इस बीच पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी का ये वीडियो अहमदाबाद के ताज होटल का है। तस्वीरों में हार्दिक पटेल होटल के लिफ्ट में जाते नजर आ रहे हैं। इसी होटल में राहुल गांधी भी ठहरे थे। रविवार रात को हार्दिक पटेल भी इसी होटल में पहुंचे। राहुल गांधी आज सुबह यहां से गांधीनगर के लिए रवाना हुए, उसके बाद हार्दिक भी यहां से निकल गए। इस वीडियो के सामने आने के बाद ये बात पक्की होगी कि राहुल गांधी ने हार्दिक पटेल से मुलाकात की है। हालांकि आज दोनों पक्ष इस मुलाकात पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। हार्दिक पटेल के सहयोगी ने तो राहुल गांधी और हार्दिक के बीच मुलाकात की खबरों का खंडन भी किया था। इस बीच सूत्रों से खबर यह है कि आने वाले दिनों में हार्दिक पटेल गुजरात में एक बड़ी रैली करने वाले हैं, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। गुजरात में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे राहुल गांधी एक महीने के भीतर तीसरी बार गुजरात पहुंचे। राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। जीएसटी पर थंज कसते हुए राहुल गांधी ने इसका नया फुल फॉर्म बताया। राहुल ने कहा कि पीएम कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन अब वो खुद खिला रहे हैं। इनकी जो जीएसटी है, ये जीएसटी नहीं है। जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अब खिलाना शुरू कर दिया। 2017 भाजपा को खतरा। अब यहां पे कांग्रेस पार्टी की, युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, छोटे दुकानदारों की, सबकी सरकार बनेगी। राहुल गांधी आज गांधीनगर में पिछड़ों के नेता अल्पेश ठाकुर की बुलाई ओबीसी सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। इस सम्मेलन में अल्पेश ठाकुर औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले राहुल गांधी हार्दिक पटेल के करीबी और बीजेपी छोड़ चुके पाटीदार नेता निखिल सवानी से मुलाकात की। हालांकि कांग्रेस की तरफ से हार्दिक पटेल को भी राहुल से मिलने की पेशकश की गई थी, लेकिन हार्दिक ने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला देकर मिलने से इनकार कर दिया था। गुजरात में कांग्रेस के लिए हार्दिक और अल्पेश ठाकुर के अलावा तीसरा अहम दलित चेहरा जिग्नेश भीमानी का है। ये तीनों कांग्रेस के लिए इतने अहम क्यों हैं, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको टुनाइट विद दीपक चौरसिया के अगले सेगमेंट में रात 9:28 पर दिखाएंगे।